इंदौर के श्री युग पुरुष आश्रम में हुई बच्चों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने डीसीपी को ज्ञापन दिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पिछले दिनों श्री युग पुरुष आश्रम के बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया था, जहां एक के बाद एक 10 बच्चों की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कांग्रेस के शहर कार्यवाह अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम, अमित चौरसिया, सनी राजपाल, सेवादल अध्यक्ष मुकेश यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर के नाम डीसीपी को ज्ञापन सौंपा और बच्चों की मौत के मामले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, युग पुरुष आश्रम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बताया गया कि वहाँ किस तरीके से मानव तस्करी की जाती है, बच्चियों को बेचा जाता है। 4 बच्चियों के नाम हमने दिए हैं प्रशासन को, जिसमें से एक बच्ची की तस्वीर भी दी है, जिसको यूपी के लोगों को 1.5 से 2 लाख में बेचा गया। ये जघन्य अपराध है। इसी तरह आर्थिक अपराध भी किया गया, वहां की जो तनख्वाह बढ़ती है उसमें से आधा पैसा लूट लिया जाता है, जो शासन का एड रहती है उसकी भी जांच के लिए दिया गया। कई मृत बच्चे जिनकी मौत छुपाने के लिए, नए बच्चे जो आते हैं उनका नाम वही रख दिया जाता है जो बच्चे मर चुके हैं। ये 29-30 तारीख को जो बच्चे मरे थे उनकी मौत छुपाने के लिए कुछ नए बच्चों का नाम वही रखा गया। जैसे एक का नाम यूसुफ था, एक का यूनुस था, यूनुस की मौत हुई उसका नाम यूसुफ रख दिया गया। तो ऐसा खेल खेला जा रहा है। जो अनेक 4 बच्चियां लापता हैं, जिसकी जांच के लिए बार बार हम बोल रहे हैं कि बच्ची बेची गई, लापता हैं, गुमशुदा हैं, कहाँ हैं, इसकी कोई जानकारी ना जिला कलेक्टर दे पा रहा है, ना महिला विकास दे पा रहा है। पुलिस तो इस मामले में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है पुलिस की, कि वो बोल रहे हैं हम देखेंगे। इस तरह से अमानवीय व्यवहार है प्रशासन का, पुलिस का, जिला प्रशासन का। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजनीतिक दबाव है, भाजपा के लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मेरी सीधी मांग है मुख्यमंत्री से, डीजीपी से, कि यहाँ का जो प्रशासन है वो जांच करने योग्य नहीं है। यहाँ का पुलिस प्रशासन पंगु है, जिला प्रशासन राजनीतिक दबाव में है। सेंट्रल एजेंसी से जांच कराई जाए, तथ्यों की जांच हो, दोषियों को जेल पहुंचाया जाए। FIR के लिए मेरे बयान भी हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ मर्ग दर्ज किया गया है, जबकि इसमें धाराओं में FIR होना चाहिए और गंभीर धाराओं में दर्ज होना चाहिए। किनके खिलाफ होना चाहिए? ये तुलसी साजिदा, अनीता शर्मा, बुधोलिया साहू, अविनाश यादव और भी लोग इसमें शामिल है, सबके नाम और तथ्य मैंने दिए। कितने बच्चे? लगभग 5 से 6 बच्चियों को 1-2 साल में बेचा है और 17 से 18 इनकी संख्या हो सकती है, और 12 से 15 बच्चे जो अभी तत्काल में मरे हैं उनको गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, उनकी भी जांच की आवश्यकता है। राकेश सिंह यादव, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। ज्ञापन दिया गया है, क्या विषय है? आज 1.5 माह से अधिक समय हो चुका है, 10 बच्चों की मौत हुई और 5 बच्चों का ही पोस्टमार्टम हुआ। 5 बच्चों की जानकारी न देते हुए अज्ञात रूप से जिस तरीके से साक्ष्य छुपाए गए हैं, तो हमारी मांग है, यहाँ हमने पुलिस कमिश्नर के नाम जो है डीसीपी साहब को ज्ञापन दिया है कि आप 1.5 माह हो गया है, प्रशासन गूंगा बहरा कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहा है? अभी तक FIR दर्ज दोषियों पर क्यों नहीं की गई? 10 बच्चों की मौत हुई है, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर तत्काल पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के आगमन पर हम उनका घेराव करके उनको ज्ञापन देंगे। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। आरोप लगा है आपको भी सर, उन्होंने शिकायत की सर। हाँ देखिए, युग पुरुष को लेकर कांग्रेस द्वारा आज DCP कार्यालय में आके एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर वह उनके द्वारा कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है। इसके अंदर जैसे कि आप सबको विदित है, माननीय कलेक्टर साहब द्वारा एक कमेटी का निर्धारण किया गया था और कमेटी द्वारा इसमें अपनी जाँच की गई थी, तत्पश्चात उसके बेसिस पे जो भी कार्रवाई बनेगी पुलिस द्वारा की जाएगी। तो अभी हम रिपोर्ट का इंतजार। सर, एक पुलिसकर्मी ने जो सुसाइड किया था सर,